हेलो, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो एक्टिव पैसिव वॉइस फिनिश कर चुके हैं, फिर आज हम क्या करेंगे? आज हम परफेक्ट के पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। 10 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जो कि आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो भी मैंने इधर सेंटेंसेस अभी लिखे हैं, पहले आप नोटबुक में नोट कीजिए एंड पॉज माई वीडियो, देन सॉल्व दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई योर सेल्फ एंड देन चेक। ओके, फिर चेक कीजिए कितना सही है कितना गलत है। इसमें ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस की। इससे पहले मैंने दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज और करवाई है, एक कंटिन्यूअस की और एक इंटरमीडिएट की, तो आज परफेक्ट की मैं करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और कुछ सॉल्व कर लिया होगा। आपको सिर्फ चेक करना है, मेरे साथ करना नहीं है सॉल्व, पहले सॉल्व करना है। मैं जब लिख रही हूँ पहले आप नोट कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, 10 मिनट्स का काम है बस ये। नोट कीजिए, 10 मिनट्स में आप ये सॉल्व कर लेंगे। मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। डोंट डू चीट, अ स्नेक हैज बिटन द चाइल्ड। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ये सबसे पहले कौन सा है? ये है हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो जाती है वॉइस में, और इससे स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो द चाइल्ड हैज बीन, यही होता था थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही रहती है बिटिन बस हो गया। एक सांप ने बच्चे को काट लिया, वह बच्चे को सांप के द्वारा काट लिया गया है, यहां काटा जा चुका है। ठीक है, रमेश हैज रिटन अ लेटर, रमेश के द्वारा लिखा जा चुका था। तो एक लेटर, सबसे पहले हम बनाएंगे अ लेटर, क्योंकि इसमें क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सबसे पहले आपने पहचान लिया होगा ना, ये पास्ट परफेक्ट है। अ लेटर हैड बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म तो इसमें लगती थी पहले से, तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। रिटेन, और इसके बाद बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ये कौन सा टेंस है? अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें विल हैव आ रहा है। ठीक है, वह अपना काम कर चुके होंगे, ठीक है, वे अपना काम कर चुके होंगे, तो काम उनके द्वारा किया जा चुका होगा। अच्छा, अब इसमें ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देन। अब यहां देन कैसे आ गया? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देन, क्योंकि दे सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट देन। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया है पैसिव वॉइस के। हैव यू हर्ड दैट न्यूज, सिंगल इंटरोगेटिव आ गया, लेकिन सिंगल इंटरोगेटिव में ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव का यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हैव बीन या हैज बीन हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले देखिए मैं ऐसे लिखती हूँ, सबसे पहले आप कहते हो एज इट इज आ जाती है हेल्पिंग वर्ब करने, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इसमें हैव दैट न्यूज, और इसके बाद क्या आता है? बीन, क्योंकि वहां सब्जेक्ट के बाद आता था। अगर दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती थी तो उधर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैव दैट न्यूज बीन हर्ड बाय। मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूं? क्या तुमने वह खबर सुनी है? क्या वह खबर तुम्हारे द्वारा सुनी गई है? लेकिन एक चीज बताइए, या है यू के साथ तो ठीक बैठ रहा है, क्या है न्यूज के साथ भी ठीक बैठ रहा है? डेट न्यूज, डेट एक न्यूज, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज, ये भी आपको देखना पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज या है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मतलब इधर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और इधर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैड डेट न्यूज तो सिंगुलर के साथ हैव तो यूज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लूरल था, यू प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए हैव लगाया। तो आप
एज इट इज बना लीजिए, लेकिन इसके बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए, क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट में केवल हेड होती है उसमें देखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में केवल विलय होती है उसमें भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर प्लुरल का केस आता है तो उसमें आपको चेक करने की जरूरत है, हैज ऑब्वियसली। नेक्स्ट, हैड यू फिनिश्ड द क्लास वर्क बिफोर यू वेंट फॉर अ वॉक, सबसे पहले कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड का यूज हो रहा है, लेकिन ये क्या, इतना सब मैंने आपको बताया था अपने पास्ट परफेक्ट वॉइस की वीडियो में, बिफोर से देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, एज इट इज रहेगा, आपके पर कितना देखिए तो इतना करते हैं, इसमें हेड भी लगते तो शुरुआत कैसे होगी, सिंगल इंटरोगेटिव है हेड, इसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हेड द क्लास वर्क, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, क्योंकि इसमें बीन होती है ना हेड बीन, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बस इसके बाद हेड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय, क्या है यहां पर सब्जेक्ट यू, और बिफोर वाला सेंटेंस एज इट लिख देंगे, बिफोर यू वेंट फॉर अ वर्क, हेड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू बिफोर यू वेंट फॉर अ वर्क। नेक्स्ट, हाउ हैव How have they done this? उन्होंने ये कैसे किया है या वे ये कैसे कर चुके हैं, तो कौन सा टेंस है ये, have लग रहा है, present perfect tense, ठीक है, अच्छा और ये double interrogative है, तो double interrogative में start कहाँ से होगा, double, ठीक है, question words ही हो जाएगा, इसके बाद इसमें helping verb क्या होती है, has या have been, अच्छा अब यहाँ पर have है, तो have या has, पहले as it is लिख लेते हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता दूँ, how have, इसके बाद आ जाएगा this, क्योंकि this यहाँ object है, how have this, फिर इसके बाद been, इसके बाद done यानी main verb by, और they का क्या हो जाएगा, they है यहाँ, they का क्या हो जाएगा इधर them, यह उनके द्वारा कैसे किया गया, अब एक बात बताइए यहाँ they के साथ have लग रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिस के साथ भी हैव लगेगा, दिस सिंगुलर है, तो मैंने आपको क्या कहा था, हैज या हैव आपको देखना पड़ेगा, फिर आप रफ करके इधर क्या लिख दीजिए, तो प्लीज जरूर क्रॉस चेक कीजिए इसमें, क्योंकि इधर पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल देखते हैं, और उसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, जो काम वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है वो काम यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए तो हम कहते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जबकि टेंसेस में डूअर यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखते हुए सारा काम करते हैं, पूरा ध्यान हमारा ऑब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा रहता है, तो हाउ हैज दिस बीन डन बाय देम, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, हैड यूज हो रहा है, तो इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस, हैड बीन यूज होगा फिर तो, है ना, यही पढ़ा है, तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव है तो स्टार्टिंग क्लास होगी ऑब्जेक्ट से, दिस न्यूज, अब हैड बीन इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हैड ही यूज होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस न्यूज हैड बीन हर्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, दिस न्यूज हैड बीन हर्ड बाय मी, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज सेवन, सबसे पहले विल है तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या वे बच्चे खेल चुके होंगे 7 बजने से पहले, तो बिफोर वाला तो आपको पहले देखना नहीं है, एज इट इज लिख लेना है, आपको मेन फोकस यहाँ तक करना है, ठीक है, और ये सिंगल इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही करते, तो उसके हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होगी, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का यहाँ जाएगा, बाकी हैव बीन बाद में लगेगा, ठीक है, अब इसमें द बॉयज पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो आप, क्या है, द मैच, ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, इसको आपको अभी देखना ही नहीं है, तो विल द मैच विल द मैच, इसके बाद बच्ची है बीन लगाना मत भूल जाना, बीन तो होता है, विल हैव बीन, तीन पार्ट पे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चे को दोनों पार्ट लगा देते हैं, विल द मैच हैव बीन प्लेड, और सब्जेक्ट का यूज करते हुए बाय, बाय द बॉयज, यही होगा, और बिफोर के बाद एज इट इज, बिफोर
It is saving. Simple. Next sentence is, they have not sold the whole horse. ये बहुत सिंपल है, मैंने लिख भी दिया है, आप चेक कर लीजिए आपने सही लिखा है या नहीं। द हॉर्स, ठीक है, ये आप छिपाइए द हॉर्स। इसके बाद इसके साथ हैज यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हैज नॉट बीन, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, हैज नॉट बीन सोल्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही विल हैव किल्ड अ स्नेक। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने यह साथ के साथ लिख भी दिया है इन दो सेंटेंसेस का, बहुत ही सिंपल है ये, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं हम ऑब्जेक्ट से, स्टार्टिंग अ स्नेक। अब इसके बाद विल हैव, ठीक है, विल हैव का क्या हो जाएगा? विल हैव बीन किल्ड बाय। अब यहाँ पर ऐसा मत कर देना, हैज लगा देना, क्योंकि इसको तो हम विल से देखते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। कैसा ना विल हैज, नो 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 नो, हैव बीन तो ये अलग चीज है, वो हैज हैव वाला नहीं है। स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय। तो आई होप अब आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज का समझ आ गया होगा, आपने सारे सेंटेंस कर भी लिए होंगे। अब नहीं भी सॉल्व करे हैं या आपको नहीं आ पाए हैं, मिस्टेक है, तो आप फिर से मेरी वीडियो में जाइए, स्ट्रक्चर में देखिए आपको क्या समझ नहीं आया, क्या आपने मिस्टेक की है। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए ही करवाती हूँ स्टूडेंट्स हर टॉपिक की, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे क्लास टेस्ट होता है ना, क्लास टेस्ट में टीचर एक चैप्टर कंप्लीट करवाती है, फिर उसका आपका टेस्ट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको टीचर भी खुद ही बनना है, मतलब चेक करने के लिए आपको वीडियो में से सेंटेंसेस देखने हैं, उसको खुद सॉल्व करना है। तो जो टीचर का बाद में चेकिंग वाला काम भी है ना, वो मेरे साथ आपको चेक, वो वाला भी आपको खुद करना है, आपको ज्यादा काम करना है, फिर आपको मार्क्स भी देने हैं, देखना है आपको कितना इसमें आता है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। वी मीट यू इन दैट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।